नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अक्सर जब दो महिलाएं आईवीएफ के लिए जा रही होती है और उनकी उम्र सेम हो, तो ये अंडों का जो नंबर है वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि किसका आईवीएफ सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं। ये क्वेश्चन आपस में बहुत आता है कि मैं भी वही उसी उम्र की हूँ और मैंने कम अंडे दिए, ऐसा हुआ क्यों? इस प्रश्न को जानने के लिए आप इसके पीछे जो साइंस है वो अगर समझ जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके क्यों कम आए या किसी और के क्यों ज्यादा आए सेम उम्र में रहने के बावजूद। सबसे पहला सवाल है कि आपके एग्स में क्या ओवेरियन रिजर्व कैसा है, यानी कि एज के मुताबिक एग्स में ओवेरियन रिजर्व है या नहीं। दूसरा सवाल, रिस्पॉन्स कैसा है मेडिकेशन, जब हम फर्टिलिटी मेडिकेशन देते हैं आपको तो उसका रिस्पॉन्स कैसा है। तीसरा, डोज कितना देना पड़ रहा है आपको। चौथा है आपका बॉडी। तो पहला है ओवेरियन रिजर्व। ओवेरियन रिजर्व अगर जितना होना चाहिए आपके एज के मुताबिक नहीं है तो उसे लो ओवेरियन रिजर्व कहते हैं, अगर ज्यादा है तो उसे हाई ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। लो का मतलब यह है कि शायद इनको ज्यादा डोज देना पड़े एग्स को बढ़ने के लिए, हाई का मतलब यह है शायद कि उनको कम डोज देना पड़े ज्यादा अंडे आने के लिए। तो ये थोड़ा अनुमान लगाया जाता है इस रिजर्व के द्वारा। नेक्स्ट है, जब नॉर्मल रिस्पॉन्स कहते हैं तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि उनका रिस्पॉन्स अच्छा होगा। नॉर्मल रिस्पॉन्स के रहने के बावजूद भी कभी कभी हाई डोज देने के बावजूद अंडे नहीं बढ़ते। इसका कारण आइए समझते हैं। ओवरीज के अंदर जो अंडे बढ़ रहे होते हैं उसके इर्द गिर्द ग्रैनुलोसा नामक सेल्स होते हैं। इन सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि जैसे एंटीना समझिए आप। ये एंटीना FSH नामक हार्मोन के सिग्नल्स को पकड़ते हैं। ये हार्मोन्स कहाँ से आ रहे हैं? ब्रेन से रिलीज हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंडों को बढ़ाने के लिए, बहुत ज़रूरी हार्मोन होता है। तो जब ये हार्मोन रिलीज होता है और ये रिसेप्टर्स नहीं है, यानी कि ये एंटीना नहीं है, तो ये अंडा ठीक से बढ़ेगा नहीं, फॉलिकल बढ़ेगा या शायद अंडा नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से अगर IVF भी कराएं ऐसी महिलाएं तो उनके एग कलेक्शन या जिस दिन एग्स बाहर निकाले जा रहे हैं तब एग्स के नंबर भी कम आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो म्यूटेशन की वजह से हो सकता है करके समझा गया है, लेकिन कौन सा जीन इसे विस्तार में अभी तक समझा नहीं गया है। बट ये जान लीजिए कि अगर प्रॉब्लम क्या है पता चले तो डोसेज को बढ़ाकर या अगर ओवेरियन रिजर्व नहीं है तो डोनर एग्स के बारे में आपको समझाया जा सकता है। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।